देश की तरह सोलन में भी ईद उल फितर का पर्व आपसी भाईचारे, प्रेम और एकता के साथ मनाया गया। सुबह से ही सोलन की जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और सभी ने मिलकर नमाज अदा की। जिला में स्थित जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद पर गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर बाजार में भी खासी रौनक देखने को मिली। सुबह से ही सोलन में बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी ईद को मनाने का जोश लोगों में कम नहीं हुआ और बड़ी धूमधाम के साथ लोगों ने ईद मनाई। जामा मस्जिद सोलन के इमाम मौलाना मोहम्मद यूनिस ने सभी को ईद की मुबारक देते हुए कहा कि आज हर्षोल्लास के साथ मस्जिद में नमाज अदा की गई। उन्होंने बताया कि सभी ने इस मौके पर देश और प्रदेश की सलामती, खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के लिए 40 रुपए विशेष दान सत्कार ए फितर निकाला गया है, जो यतीम, बेबा, गरीब, लावारिस व जरूरतमंदों में बांट दिया जाएगा। सोलनी एरिया तकरीबन 30-40 किलोमीटर के आसपास के मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। तकरीबन 2,500 लोग खराब मौसम के बावजूद शामिल रहे। समस्त प्रदेशवासियों को और समस्त देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं और मुबारकबाद दी गई। सभी लोगों की खुशहाली, तरक्की और कामयाबी की दुआएं मांगी गई और इस मौके पर समाज के गरीबों, कमजोरों, बेवाओं, यतीमों, मिस्किनों, लावारिस बच्चों की इमदाद के लिए विशेष दान सदकाए फितर 40 रुपए खुशहाल परिवारों को अदा करने के लिए अपील की गई और उन्होंने उसको अदा किया। इस मौके पर देश की खुशहाली, देश की एकता, देश की अखंडता और देशवासियों की खुशहाली, देशवासियों की तरक्की के लिए जामा मस्जिद सोलन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआएं की गई।